देखिए मामा, मैंने ना कहीं घूमने जाना है। मैंने कहीं घूमने जाना है। उसकी मामा कहती हैं, बेटा हर वक्त घूमते नहीं रहते, कभी कभार ऐसा भी करते हैं कि ना, जो बारिश हो रही है अपनी जॉइंट ना लगा, क्या क्या वो कह रही है कभी कभी ना इंसान को घर भी रहना चाहिए। तो आपको मेरी बेटी, आपको हर वक्त ये नहीं करना चाहिए कि मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। तो पढ़ना भी चाहिए, सारी चीज़ों को बैलेंस लेके चलना चाहिए। वो कहती है, मामा आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे जाने दें, मैंने अपने दोस्त के घर जाना है। उसकी मामा कहती हैं, मेरी बेटी मैंने आपको समझाया भी है कि आपके बाबा जो है ना, ये चीज़ अच्छा नहीं उनको लगती है कि आप हर वक्त घूमती रहती है। फिर वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं, तो इसकी वजह से ना ये भी रहना, कितनी डैंड्रफ हुई है आपको, मुझे भी हुई है, कहीं उस शैम्पू से तो नहीं हुई हुई, कौन से? हाँ हेल्ड शोल्डर से, आपको उससे नहीं कराई थी ना मैंने, जेहर का भी चेक करती हूँ, जेहर को भी हुई है कि नहीं। हेड शोल्डर से नाक करवाया करें, लंबे बाल आहिस्ता बोलो ना, भैया सोया है, बुखार आई है, दर्द हो रही है। अच्छा थी। तो ना वो कहती है, मामा वो ना आप ऐसा करें, आप ऐसा करें क्या? आप बाबा से परमिशन ले दें, प्लीज मुझे जाने दें, मेरी सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हुई हैं, प्लीज प्लीज। उसकी मामा कह रही है, इधर आके यार जरा दिखाइएगा ना, आपको ख़ारिश नहीं हो रही, ना आपको तो सारा सर भरा हुआ है बड़ा डैंड्रफ। हुआ हाँ मम्मी तो ये स्टोरी तो में मेरे हाल सुना में आप खुद नहाती है ना, मम्मा चल है अच्छा अभी। तो ना वो कहती है, मामा आप प्लीज़ बाबा से परमिशन ले दें। उसकी मामा कहती है, अच्छा चलो मैं आपके ना बाबा से पूछती हूँ। तो वो ना उसके बाबा से पूछती है, तो उसके बाबा कहते हैं, नहीं मुझे इस तरह लड़कियों का ना ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती है, अभी उसको बोलो कि पढ़ा भी करे, हर वक्त ना कभी उधर घूमना कभी उधर घूमना तो ये अच्छी बात नहीं है ना, ऐसे करें ना, क्या कर रही हैं आप, मामा नीचे सर कर रही हैं आप बहुत मुझे ज़्यादा। जो थक जाती हूँ जब जब प्रॉपर था तो मामा चले सुनाए। तो ना उसकी माँ उसके बाबा कहते हैं, उसको बता दें कि मुझे अच्छा नहीं लगता है हर वक्त इसका घूमना फिरना, इसको बोलो कि घर भी बैठा करें। तो उसकी मामा कहती हैं, अच्छा चले मैं उसको ना बता देती हूँ। तो उसके वो उसकी मामा उसको बताती हैं कि आपके बाबा कहते हैं कि हर वक्त ना घूमना फिरना नहीं चाहिए, बुरी बात होती है, तो आप अभी स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना चाहिए, जब आपको तफरी देने का टाइम आएगा ना, तो मैं हम लोग आपको कहीं घूमने फिरने भी लेके जाएंगे। कहती है, मामा मुझे ना दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ नहीं। उसकी मामा कहती है, बेटा वो फैमिली चार ही होते हैं, वो चार ही होते हैं। वो भी चार होते हैं, तो ना उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं ना। तो एक दिन ना वो फिर अपनी फ्रेंड की तरफ मामा से पूछ के जाती है, तो उसकी मामा जो होती है ना उसको इजाज़त दे देती हैं, उसको कहती हैं, अच्छा भाई आप जाओ, आपकी मर्ज़ी है ना तो आप जाओ। जब वो जाती है ना, तो ना उसकी जो दोस्त होती है ना, वो कहती है, ऐसा करते हैं कि हम लोग ना कुछ खाने के लिए चलते हैं। वो कहती है, नहीं मेरे बाबा ने आगे इतनी मुश्किल से परमिशन दी है, मामा ने शायद पता नहीं किस तरह से बाबा को कहा होगा, तो मैं नहीं जा सकती। उसकी दोस्त कहती है, नहीं हम लोग ना इधर से घूम के ना गोलगप्पे वगैरह खा के ना तो आ जाते हैं। कहती है, यार एक तो अच्छा नहीं लगता, मेरी मामा ने आगे ही कहा है कि जल्दी आ जाना, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना ये चीज़ें। तो वो कहती है, अच्छा कहती है फिर भी थोड़ी देर के लिए चलते हैं। वो लोग बाहर जाती हैं, तो ना उनको ना कोई किडनैप कर लेता है, उनको सारों को दोनों को, उसकी फ्रेंड्स को और उसको, वो दोनों इतना रोती हैं इतना रोती हैं इतना रोती हैं। तो ना फिर उनके ना जहन में एक आइडिया आता है, वहाँ पे ना एक होती है विंडो होती है, वो कहती हैं हम विंडो से ना चली जाती हैं। तो फिर वो विंडो से ना
ना आपके सर में बहुत डैंड्रफ हुई है आपको, इसी वजह से खारिश खारिश नहीं हो रही? कल हो रही थी, आज तो नहीं हो रही। ये जो आप खुद नहाती हो ना सर का शैम्पू? मम्मा जी क्रीम तो ना लेना, थक जाती हूँ मामा। फिर तो फिर उनको ना कोई किडनैप करके ले जाता है, तो वो विंडो से ना बाहर निकलने की ना कोशिश करती हैं। कहती हैं कि मैं ना विंडो से ना पहले कहती हैं मैं जाती हूँ, एक कहती है फिर दूसरी जाती है, तो ना वो विंडो से ना बाहर निकलती हैं। विंडो से जब बाहर निकलती हैं ना तो ना फिर वो रास्ता अपने घर का तलाश करती हैं, घर जाती हैं। घर आकर कहती हैं देखा हमारे मामा बाबा जो हमें कहते हैं ना कि किसी की घर ना जाएं और बात ना माने, मैंने आपकी बात मानी है ना, तो देखें आज हम कितनी मुसीबत में फंस गए हैं। तो हमें चाहिए कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें जितनी परमिशन वो दें हमें उतनी बातों को फॉलो करना चाहिए। तो उसकी दोस्त कहती है हाँ आप बिल्कुल ठीक है, तो वैसे भी आप तो मैं अकेले भेजता नहीं है ना। लेकिन वो बड़ी बच्चियाँ थी ना, जैसे जैनी खाला होती हैं, जैसे आपकी दूसरी खाला है, तो वो अकेले चले जाते हैं। जैना खाला और जैनी खाला अकेले स्कूल चले जाते हैं? नहीं है? नहीं, जैनी खाला दोस्तों के घर चली जाती हैं, अकेले स्कूल नहीं जाते, कॉलेज पढ़ती है। फिर ना उसकी वो घर जाती है और अपनी मामा से ना सॉरी करती है, कहती है मामा सॉरी मैंने आपको ना बताया नहीं, हम ना वहाँ से हमें किसी ने किडनैप कर लिया था, तो मैं आइंदा से ना कोशिश करूँगी कि मैं अपने दोस्तों के घर ना ही जाऊँ, अब बड़ा ही कभी ज़रूरत हो ना तो फिर मैं जाऊँगी कंबाइंड स्टडी के लिए, फिर हम वहीं बैठ के ना आप बेशक मेरे साथ ही चलिएगा या भाई को बोलिएगा कि मुझे छोड़ आए। तो इस तरह मैं करके गई हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी दोस्त जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि साथ चलो साथ चलो। तो फिर तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें, और बाबा से कैसे सॉरी करूँ, वो कह रही है अपनी बाबा से भी जाके सॉरी करो, फिर जो बंदा अपनी गलती मान ले ना अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो तो फिर अल्लाह ताला भी उससे बड़े हैप्पी होते हैं, पेरेंट्स भी बड़े हैप्पी होते हैं। फिर उसके जो बाबा होते हैं ना वो अपने बाबा से जाके कहते हैं बाबा मैंने ना आपकी परमिशन के बगैर जो है ना मैं गई हूँ, और वहाँ गई हूँ ना तो देखिए मेरे साथ इस तरह से हुआ। उसके बाबा कहते हैं बेटा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है मेरी बेटी, आइंदा से आपने वो काम नहीं करना जिससे मैं आपको मना करूं, आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो आप लोगों को आप लड़कियां जाती तो हैं लेकिन कोशिश किया करें कि अपने पेरेंट्स के साथ जाए आपने, यार इधर आके ज़रा कीजिएगा ये देखिएगा ना जी वो कर रही हूँ ना डैंड्रफ आपकी साफ़ कर रही हूँ। इससे हमने जाना क्या लेसन लिया? हमारे हाँ मैं करती हूँ दर्द होती है हर जगह, हाथों से करती है तो जल्दी पानी कर दे भी। अच्छा पानी भी कर देती हूँ। अब दूसरी स्टोरी आपने मुझे बताया नहीं सर, क्या आपने लेसन लिया? क्या बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, मामा पापा को फॉलो करना चाहिए, पर अगर गंदे काम करे तो फिर नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स भी पेरेंट्स को भी गंदे काम नहीं करने चाहिए, ये कहाँ पे लिखा है कि पेरेंट्स गंदे काम करें और बच्चे थोड़े बाबा थोड़े थोड़े करते हैं, कभी कभी नंगे पाँव जाते हैं वॉशरूम। ये बाबा इज अ बैड बाबा। बैड बैड बाबा है ना आपके? नहीं बैड बेबी। बैड बेबी ना आपके? हाँ। कोको बच्ची यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपने मुझे बताया कि नहीं घर में कि मामा मुझे बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, पुप्पो परसों कह रही थी उस दिन इसके साथ देखो इसके साथ में कहीं भुइयाँ तो नहीं आई, मैंने कहा नहीं मेरी बेटी के सर में भुइयाँ नहीं है तब तो नहीं खारिश। आई 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 यही भुई थी मामा। हाँ 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 कर रही हूँ मेरी बेटी। अब सारी जगह डैंड्रफ है।
नहीं ये आगे तो बहुत ज़्यादा, मैं आपको बाबा अभी बाबा वीडियो बनाते हैं ना वहाँ से देखना आप, ये देखो ए इस जगह भी तो करें। जैना मैं आपको दिखाऊँ ना, और ये जगह जैसे पीछे जो ये जगह सारी आपकी भरी हुई है, आप हाथ करो मैं आपको दिखाऊं किस तरह की बैंड है। बड़ी मोटी मोटी है, मोटी मोटी वो चाल भी सकती है। ये मुझे पता क्या लगता है, आप जो अपना बाल भी साफ नहीं ना सही करती, खुद ही नहाती हो यहाँ, तो उससे मैं ही आपका शैम्पू जो है ना आप तो वो तो कभी कभी ऊपर से नहाती हूँ नीचे से नहाती हूँ तो वही हो, मैं अकेले नहाती हूँ तो नहीं नहाना चाहिए ना। तो मामा कितने मिनट की बनी है, आप लोग अच्छा बैवी अभी ना करें, इधर भी है इधर कम है लेकिन है इधर भी, मुझे भी बड़ी खारिश हो रही है जाना, मुझे लग रहा है जो हम यूज कर रही है ना शैम्पू दोनों मामा बेटी, कौन सा हाइड्रेशन वो तो मैं तो यूज ही नहीं करती, मैं जब खुद ना आती हूँ मैं तो लंबे बालों वाला करती हूँ, बाबा वाला तो नहीं कह रही ना, ग्रीन वाला ना, मैं तो वो जो लंबे बालों वाला है इतने इतने जिसके बाल थे लड़की का तो वो वाला शैम्पू यूज करती, वो तो मेरा शैम्पू हुआ, मैं फिर भी यूज करती हूँ, और उसकी इतनी सी क्वांटिटी यूज करनी होती है, इतनी नहीं करनी होती आप बहुत ज्यादा, मैं बाल लंबे करना चाहती हूँ ना, आप बाल लंबे करके क्या करोगी, प्यारे लगते हैं बाल ऐसे, मेरे लिए क्यों बेल विशी, तो ये जो बालों में डैंड्रफ आई है ये कौन निकल रही है, ये कौन निकल, ये देखो मामा ये देखें, मैं तो आपका स्टाइल भी नहीं बना सकती गुड़िया, आपके तो बाल इधर से ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें मामा तेरी गुड़िया, जी आ रही हूँ बेबी एक मिनट, आपने माउंटेन देखे है ना, हाँ, ये देखो देखे अब नीचे इसलिए फेंक दिया ताकि किसी और लेना, अब नीचे इसलिए फेंक दिया ताकि किसी और के सर में जाए, ये नहीं जाती किसी और के सर में, ये अपने अपने सरों में रहती है, मैं इसी वजह से आपकी उतार रही कम कर रही हूँ ताकि आपको खारिश ना, ये देखो मेरी सारी ब्लैक शर्ट पे गिरी हुई कोको बच्ची, आप है कोको बच्ची, कोको मच्छी, मच्छी नहीं कोको बच्ची, मच्छी मच्छी नहीं कोको बच्ची, कर लें मम्मा चान, कैसे आपकी कुछ मैं ये जो पेंट है मेरी पुरानी वो मेरी अजवा दोस्त ने दी है मुझे, नहीं ये नहीं है आपकी, नहीं जो पुरानी है घर बनी हुई है, नहीं वो भी लेगिया लेगिया उसकी है, ओ उसे पटी हुई थी है वो इस वजह से, क्योंकि जिस तरह आप नंगे पांव चलती है ना समटाइम गर्ल्स जिस तरह से चलती है ना तो वो फिंगर्स पांव की जो फिंगर्स है ना उसकी वजह से ना वो हो जाती है, क्या वो फट जाती है ना, क्योंकि हम लोग नंगे पांव चलते हैं ना, चलते तो है चलते तो है बस मैं थक गई हूँ बहुत, मैं अभी फोन नहीं कर देती हूँ बहुत, ये ले अच्छा जी कर दो, कान से बाहर निकलती है तो दर्द होती है।
एक मिनट नहीं करना बस सोना कहीं आपको डैंड्रफ समझो नहीं आ रही ना आई फोन भी कर दे मम्मा जब घर जाएंगे तो कुछ इधर ये देखो जरा मेरे ब्लैक इस पे गिर रहा नजर आ रहा देखा कितनी ज्यादा अभी बहुत ज्यादा लगा ये तो ऐसे जैसे स्नो फॉलिंग हो रही है छोटी छोटी हाँ चलो चलो मैंने आपको पोनी दी है जी आपने मुझे पोनी दी है अभी मेरे पास ब्रश नहीं है मैं आपके ऐसे ही गाड़ी में पोनी इनके पास ब्रश भी नहीं है गाड़ी हाँ इधर नहीं है गाड़ी में पड़ा ये हमारा रूम होगा होटल का ये मॉल वाला रूम है लिपस्टिक क्या लग गई